Hello students, good morning. Myself G.S. Chauhan, team botany, CLC Seeker. हम लोग डिस्कस करेंगे आज DCM 2021 का जो 12th एपिसोड है उसे. बायोलॉजी में ये फोर्थ नंबर का आपके लिए DCM है. टॉपिक इसमें लिया गया है आपका डाइवर्सिटी सेकंड और थर्ड, प्लस इसमें है आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए, नीट के प्रिपरेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे. हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है. ये दो फिगर हैं, नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, NCERT के ये फिगर्स हैं. तो इसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म लेबल्ड ए एंड बी. ओके, तो ये किसके फिगर्स हैं? आप जरा इस फिगर को याद रखना. ये एक्चुअली आपके लिए, देखो ओबियसली ये ग्रीन एल्गी के मेंबर नहीं है. ग्रीन एल्गी में आपका आता है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, कारा. तो कुछ ऐसे दिमाग लगाओ, अगर क्लरिफाई नहीं है 100% तो कुछ अपने तंत्र को एग्जिस्ट करो. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कारा यहाँ पर दिया गया है, तो कारा कभी भी इसमें नहीं आ सकता. थर्ड आपका ऑप्शन बन नहीं सकता. क्लियर? अच्छा जी, लेमिनेरिया की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ना? तो आप लेमिनेरिया को याद रख सकते हैं. ये लेमिनेरिया है, तो यहाँ पर हमारे लिए लेमिनेरिया आंसर नहीं आ सकता है. क्लियर? पॉलीसेफाली लेमिनेरिया फिर आपके लिए यहाँ आ गया. ठीक है, तो आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, वो है आपका फोर्थ. ये फ्यूकस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें जो एयर बबल्स हैं ये आपके लिए बड़े खास हैं. इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये मिड रिब कहलाती है. नॉर्मली हम एल्गी में मिड रिब टर्म यूज नहीं करते हैं. कहा जाता है कि एयर बबल्स प्रोवाइड बायोन्सी इन फ्यूकस विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑन अपर रीजन ऑफ मैराइन वाटर. तो ये या उसमें फ्लोटिंग में हेल्पफुल होता है. इसमें ये जो रीजन है इसे हम फ्रॉन्ड कहते हैं. दिस इज स्टाइप एंड दिस इज होल्ड फास्ट. तो ये आपके लिए फ्यूकस ए है और डिक्टियोटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आप इन्हें बिल्कुल याद रख सकते हैं. ये डिक्टियोटा है, तो हमारे लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, ये अच्छा है, नो डाउट NCERT में है. फिर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकिन. पेप्टाइडोग्लाइकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकिन इज ए पार्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स. ये प्रोकैरियोट्स की जितनी भी सेल वॉल होती हैं उनमें इसकी प्रेजेंस होती है, तो आपके लिए ये आंसर बन नहीं सकता. सेलुलोज याद रहे, किंगडम प्लांटी के अंदर ये बात कही गई है कि प्लांट हैव सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल एंड रिजर्व फूड एज स्टार्च आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी. तो एल्गी हम जानते हैं कि प्लांटी में इंक्लूडेड है, तो इसमें सेलुलोज का होना मस्ट है. तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि इन दोनों में एक आंसर बन सकता है, लेकिन NCERT ने चूंकि टर्म यूज किए हैं सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट. मैं यहाँ पर एक और आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दूँ. एक्चुअली कारा जो होता है उसे हम स्टोन एल्गी के नाम से भी जानते हैं. व्हाई इट्स कॉल्ड स्टोन एल्गी? बिकॉज इट्स आउटर सरफेस कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट. इसकी आउटर सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस होती है, खासतौर से कारा के अंदर, और इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का भी जिक्र किया गया है, और इसीलिए NCERT के बेस पर इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन. ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग हर एक साल में पूछा ही जाता है. पिछले साल भी स्पाइरुलिना पर क्वेश्चन बना है. ठीक है, तो SCP, ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से है. SCP सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें हम क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना दोनों को इंक्लूड करते हैं. यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्लोरिला इज ए यूकेरियोट. ठीक है,
ये यूकेरियोट्स में रखी जाती है और इसलिए रिसेंटली इसे प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। और ये स्पाइरुलिना होती है, ये प्रोकैरियोट होती है, कई बच्चे यहाँ पर मात खाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स है और इसी साल इस पर क्वेश्चन भी नीट ने बनाया था। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ के अंदर। पियर शेप्ड, अच्छा है, पियर शेप नाशपाती की आकृति के जो गैमेट्स होते हैं और इनमें लेटरल हिट्रोकॉन प्रेजेंस होते हैं, असमान फ्लेजिला प्रेजेंस होते हैं, तो ये ब्राउन एल्गी का करैक्टर है, इस चीज को याद रखें। बायोफ्लेजिलेट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ प्रोड्यूस होंगे आपका, लो कुछ ऐसे दिमाग लगाओ, ये ग्रीन एल्गी हो नहीं सकता, यहाँ ग्रीन एल्गी हो नहीं सकता। क्लियर, लो बॉल बॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, ये भी खत्म हो गया, आपके लिए एक ही आंसर बनता है, वो है सेकेंड। क्लियर, नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, ये रेंज ऑफ थैलस के बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया। रेंज ऑफ थैलस मतलब एल्गी ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जहां यूनिशेलर प्लांट बॉडी भी मिलती है और मल्टीशेलर मैसिव फॉर्म भी हमको देखने को मिलता है, तो उस पर अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। वॉलबॉक्स एक कॉलोनियल फॉर्म है, ये बात ठीक है, आपका क्लेमाइडोमोनास यूनिशेलर फॉर्म है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है लेकिन ब्रांच नहीं है, ये फिलामेंटस अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंस होता है, डिक्टियोटा अभी अपने देखा था फिलामेंटस एंड ब्रांच है, तो आपका ए में सेकेंड जा रहा है, तो आपके दो कुछ आंसर हो सकते हैं। क्लियर, अब आपका बी में फोर्थ है, तो बी में फोर्थ का मतलब है आपका आंसर ये फर्स्ट ही निकल कर आ रहा है। क्लियर, तो हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्टली मैच्ड लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो आपको लिस्ट दी गई है, इनको करेक्टली मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा पहले आते हैं आप उनसे इनकी मैचिंग कराना स्टार्ट करें। जैसे साइकस में कोरोलॉइड रूट हमें देखने को मिलती हैं, ये हिट्रोस्पोरस ट्रेडोफाइट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साल्विनिया इज ए हिट्रोस्पोरस ट्रेडोफाइट। मार्केंसिया में ही हमें गेमा देखने को मिलते हैं, टेरिडियम में होमोस्पोरी पाई जाती है, ओके, और ये पेरिस्टोम यहाँ पाए जाते हैं। देखो ये चूंकि एक लिस्ट है, यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि अगर बच्चे को 60% भी मैचिंग क्लैरिफाई हो जाती है तो इसका आंसर बन जाता है। ये पेरिस्टोम होते क्या है जरा मैं इसको समझा दूँ, आपका जो ये मॉस का स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पर आपके फुट सीटा कैप्सूल होते हैं, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ 16 टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली इन्हें हम पेरिस्टोम के नाम से जानते हैं, पेरिस्टोम। ये खास हमारे लिए थोड़ा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि मॉस प्लांट हैव एडवांस और एलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल, तो वहाँ पर इन टीथ का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसीलिए इस क्वेश्चन में इसका होना एक इसकी इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है। तो हमारे लिए ए में फोर्थ आंसर जा रहा है, तो फोर्थ यहाँ पर है, बी में हम जा रहे हैं फिफ्थ के साथ, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड में पॉसिबिलिटीज बन रही हैं अभी। सी में अपन जाएँ तो फर्स्ट है, अभी भी आंसर हमें नहीं मिला है। डी में अपन जाते हैं साइकस में आपको सेकेंड मिल रहा है, इसका मतलब है हमें आंसर मिल चुका है, हमारा सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पेगनम ए मॉस प्रोवाइड पीट, बिल्कुल सही है, स्पेगनम एक मेन ब्रायोफाइटा का मेंबर है, मॉस प्लांट है, ये आपके हिली स्टेशन पर पाया जाता है और उस पार्शली डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन के बाद में ये एक पीट का फॉर्मेशन करता है। पीट इंक्लूड एज ए स्लाइटली लोअर ग्रेड कोल यूज एज फ्यूल, ओके, तो हम उसी पर बात करेंगे। पैकिंग मटेरियल है, इसे ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि जब हमें छोटे छोटे प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम इन्हें मॉस का क्यों यूज करते हैं? एक बात हमेशा के लिए याद रख लो कि स्पेगनम को हम कॉटन मॉस के नाम से भी जानते हैं। क्या? कॉटन मॉस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेगनम। स्पेगनम को हम कॉटन मॉस के नाम से भी जानते हैं। कॉटन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल और मॉस के प्लांट को हम रूट में बाइंड अप कर देते हैं,
जिससे ये लंबे समय तक जो वाटर की सप्लाई है उसे ये उसकी प्लांट की रूट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टमेंट यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ किया जाता है। कैपेसिटी होल्ड होल्डिंग ऑफ वाटर, इसकी जल धारण जो क्षमता होती है इसी के कारण हम पैकिंग में इसका यूज करते हैं, खासतौर से फ्लावर ट्रांसपोर्ट के समय, छोटे छोटे प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट के समय हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ओब्वियसली गिंगो बायलोबा है। गिंगो बायलोबा कई सेंस में इंपॉर्टेंट है, नंबर वन एनसीईआरटी में है, नंबर टू इस पर क्वेश्चन पॉसिबल ये बनता है कि एक मेडिसिनल प्लांट है, नंबर थ्री इस पर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बनती है कि दे हैव लॉन्ग एंड ड्वार्फ सूट, ये एनसीईआरटी में लेबल्ड है इसलिए हमारे लिए खास बन जाता है, और ये एक लिविंग फॉसिल प्लांट भी है इसलिए भी खास बन जाता है। अब ये है कौन, जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म के नाम पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ए है और एक थर्ड है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड है। तो जिम्नोस्पर्म प्रेजेंस फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल कभी भी आपके जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंस नहीं होती है तो ये कैंसिल हो गया। जिम्नोस्पर्म लैक ओवरी वॉल, ओवरी वॉल नहीं होती है इसलिए हम इन्हें नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्लियर कट कहा गया है कि सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म lack of any type of covering pre and post fertilization process, pre का मतलब है कि ovule पर भी नहीं है और इसके seed पर भी कोई भी covering नहीं है। Next question में चलते हैं, Entofixing cyanobacteria is related to which of the following plant root? Obviously सीधे जाओ cycas के पास, cycas में यहाँ इसका male कौन है, यहाँ इसके अंदर इसकी कंपाउंड लीव्स हैं कुछ इस तरीके से, आपको ऐसे कंपाउंड परसिस्टेंट लीव्स देखने को मिलती हैं, ये इसका मेल कौन हो जाएगा, ये इसकी रूट्स हो जाएंगी ओब्वियसली। क्लियर, अच्छा जी, तो फिर अब आगे कौन, आगे आपको यहाँ पर कुछ रूट्स नज़र आती हैं, इन रूट्स को हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स। कौन सी रूट, दे आर कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स, ऐसे कोरल जैसी इरेगुलर होती हैं तो इन्हें हम कोरलॉइड्स रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके अगर ट्रांसवर सेक्शन किया जाए तो स्टील रीजन के सराउंडिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फिलामेंटस बीजीए पाए जाते हैं जो एंटोफिक्सेशन का काम करते हैं इसके, इस कोरलॉइड रूट जिसे हम सब एरियल भी कहते हैं, ये ना तो पूरी हवा में होते हैं ना पूरी तरीके से जड़ में सॉइल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा है इन साइकस ए, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन के पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। इन साइकस ए एंड बी आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन की बात की जा रही है, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड, क्या है ए बी सी के लिए आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। याद रहे एनसीईआरटी ने लिख रखा है मेल कॉन एंड मेगास्पोरोफिल, इसमें फीमेल कॉर्न का जिक्र नहीं किया गया है साइकस के केस में, जरा एनसीईआरटी को एक बार ध्यान से देखना। आपके पाइनस में जरूर कहा गया है कि पाइनस हैव मेल एंड फीमेल कॉर्न ऑन सेम प्लांट, बट इन साइकस मेल कॉर्न एंड मेगास्पोरोफिल प्रेजेंस ऑन टू डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ये बात कही गई है, मेगास्पोरोफिल आखिर फीमेल कॉर्न को रिप्रेजेंट क्यों करती है, तो उसके लिए आपके पास कुछ वजह होना चाहिए दिमाग में। तो ये एक्चुअली मेगास्पोरोफिल होती है, इसके जो ओव्यूल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं नेचर में, और इसीलिए इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। दे हैव ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ नेचर, देयरफॉर साइकस हैव लार्जेस्ट सीड इन नेचर। इन पॉइंट्स पर ध्यान दें, आपको वजह मिलेगी कि आखिर यहाँ फीमेल कॉर्न क्यों नहीं है, क्यों इसमें इन्होंने मेगास्पोरोफिल टर्म यूज किया है, तो वजह है इनके लार्जेस्ट ओव्यूल, अगर ये छोटे होते तो शायद फीमेल कॉर्न की प्रेजेंस हो सकती थी। क्लियर, आप इस पॉइंट पर ध्यान दें। नेक्स्ट, गैमा कप लोकेटेड ऑन, ओब्वियसली गैमा कप एक पॉसिबल क्वेश्चन है, कई सालों से इस पर ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना है, हर साल ये क्वेश्चन इस पर नहीं बनता है। अब हम आगे चलते हैं,
और यहाँ पर देखते हैं कि गैमा कप की लोकेशन जो होती है वो ये मिडरिब जो रीजन होता है यहाँ पर पाई जाती है। ये गैमा कप कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब इनका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो गैमा कप कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, क्लियर। अब इसके अंदर जो प्रेजेंस होते हैं वो गैमी होते हैं। गैमी आर मल्टी सेलर एट शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके के आठ की आकृति के ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये गैमा कप है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे नजर आता है और ये हमेशा इसकी डॉर्सल सरफेस पर ही प्रेजेंस होगा, वेंट्रल सरफेस पर ये प्रेजेंस नहीं होंगे। तो यहाँ सीधे सीधे हमारा आंसर जा रहा है डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्केशिया। मार्केशिया की जो थैलस की पृष्ठ सतह है वहां पर इसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। विच ग्रुप डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक चीज याद रखना कि यहां बात करी गई है, आप जाके हाइड्रोफिली में इस लाइन को देख सकते हो। कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोअर प्लांट स्पेशली ब्रायोफाइट एंड ट्रिलोफाइट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन अर्थ बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मतलब ये हुआ कि जहां ब्रायोफाइट ट्रिलोफाइट प्रेजेंस होंगे वही प्रेजेंस होंगे जहां पर अर्थ पर वाटर की प्रेजेंस होगी। जिस एरिया में पानी नहीं होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इसीलिए इनमें आप लोअर प्लांट को ही इंक्लूड करोगे। आप समझ सकते हो ये जिम्नोस्पर्म है, इसे वाटर के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है आप समझ लीजिए, ये आर्किगोनियम है, ये इनके एंथिरोजॉइड्स हैं। अब इन एंथिरोजॉइड को यानी कि ये मेल गैमेट है और ये आपके लिए यहाँ फीमेल गैमेट है। ये चूंकि फ्लेजिला है इसके पास, तो फ्लेजिला होने पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा ये वाटर में ही मूव करके यहाँ जा सकता है। ये यहाँ वाटर प्रेजेंस होना जरूरी है इसकी बात कर रहा है। तो आपके यहाँ पोलन ग्रेन होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने मॉस और फर्न की बात करी है तो ये ओनली नहीं हो सकते, एल्गी भी होगा, मॉस भी होगे और फर्न भी होंगे। तो आपके लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। थैलॉइड इस टर्म पर ध्यान दो, थैलॉइड फॉर्म होना चाहिए। थैलॉइड का मतलब होता है प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड इन रूट स्टेम लीव्स। जब इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है हम उसे थैलॉइड कहते हैं। फ्री लिविंग होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक नेचर का भी होना चाहिए। ऐसे हमें गैमिडोफाइट कहाँ मिलेंगे? तो पहली बात तो समझ लो कि एल्गी और ब्रायोफाइट का ही जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमिडोफाइट नेचर की होती है और इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, फर्न जो प्लांट होते हैं, एक्चुअली हम पहले जो इम्पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर लेते हैं। ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। कहा जाता है, लास्ट लाइन में लिखा है कि पाइनस और जिम्नोस्पर्म लैक ऑफ फ्री इंडिपेंडेंट गैमिडोफाइट, मींस गैमिडोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पायसम में भी नहीं होंगे, पायसम से ट्राइबम, ठीक है। फ्यूनेरिया एंड फर्न में हो सकता है। फिर यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, आप वन एंड टू में ध्यान दोगे तो यहाँ थैलॉइड का जिक्र किया गया, थैलॉइड प्लांट बॉडीज की है, लेकिन फ्यूनेरिया में कम से कम एक स्यूडो लीव्स तो प्रेजेंस होती है। ये हम थैलॉइड इसे नहीं कह सकते, क्लियर। ये फ्यूनेरिया है, हाँ इसे हम थैलॉइड कह सकते हैं। ये मार्केशिया, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, क्लियर। तो थैलॉइड टर्म की वजह से और इंडिपेंडेंसी की वजह से आपका फर्स्ट आंसर क्लैरिफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन कैन बी सीन। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? माइकोराइजल रूट, टैप रूट ऑफ साइकस। अरे सिर्फ टैप रूट नहीं होंगे और माइकोराइजल आपके साइकस में नहीं होता है, तो ये आंसर आपका बन ही नहीं सकता। माइकोराइजल रूट इन साइकस, ये भी गलत हो गया। माइकोराइजल रूट इन पाइनर, बिल्कुल सही। कोरोनल रूट इन साइकस, बिल्कुल सही। माइकोराइजा के लिए कहा जाता है कि इट इज ए सिम्बायोस रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट स्पेशली पाइनस, ठीक है। दे रिप्रेजेंट ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बोथ मे नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर।
अच्छा, यहाँ पर अभी कोरलॉइड रूट का तो जिक्र हमने साइकस में विथ डायग्राम किया ही है, तो आपका थर्ड आंसर क्लैरिफाई हो रहा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फुट ऑफ द फ्यूनेरिया, एक्चुअली जो इसका स्पोरोफाइट होता है उसका जो फुट रीजन है वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसमें जो फुट रीजन है ये फुट है, दिस इज कॉल्ड फुट, ठीक है। अब फुट कैसा होगा, ये स्पोरोफाइट है, कैसा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपके लिए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये 2n है, क्लियर, 2n है तो आपके फुट में 8 क्रोमोजोम है, तो 2n इज इक्वल टू कितने हैं 8। अब बात आती है कि व्हाट शुड बी द नंबर इन इट्स स्पोर्स, स्पोर्स आर हैप्लॉइड और इस वजह से इनका आंसर कितना हो जाएगा 4, फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ये एक इक्विसिटम का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है, करेक्टली लेबल ए बी सी डी, तो ये सी कौन है, सी है आपके लिए राइजोम, कौन है राइजोम, ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट है, तो सी में राइजोम, देखें लो भाई आंसर आपके यहां हो सकते हैं, एक यहां एक यहां। अब आप ए को सिलेक्ट करो, ए कौन है स्ट्रोबिलस या कौन, लो भाई आपको आंसर मिल चुका है, मतलब थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा। आपका बी इंटरनोड है, आपके डी ब्रांचेज है, क्लियर, इसी को हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। इन द लीफ टिप सेल हैव 20 क्रोमोसोम इन पाइनस, पाइनस का प्लांट कहता है स्पोरोफाइट, मतलब 2n है, इसमें इन्होंने कहा है कि ये 20 है लीफ के अंदर, तो इनके एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉयड होता है, क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एक्चुअली इसका एंडोस्पर्म भी कहलाता है। देखो जरा, तो कायदे से आंसर तो इसका एन आपका 10 हो जाएगा, क्लियर। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक्चुअली इसके ओव्यूल है, क्लियर, ये ओव्यूल है, ये इसके अंदर आपके न्यूसिलस की सेल्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, रिडक्शनल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड, इसमें मियोसिस होगी, ध्यान देना ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके क्या बनेंगे यहाँ पर, 4 मेगा स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, ये क्या है MMC मेगा स्पोर मदर सेल, दे आर 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्या है बेटा जी, मेगा स्पोर। अब हम इसमें आपको एंडोस्पोर कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं, आउट ऑफ देम 3 आर डिजेनरेट, 1 इज फंक्शनल एंड इट डिवाइडेड बाई इंडिपेंडेंट मैनी माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये कौन है एन, तो आपका ये भी कैसा हो गया एन, इसीलिए आपका आंसर बन रहा है 10, क्योंकि 2n में 20 है तो n में ऑब्वियसली क्रोमोसोम का नंबर 10 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रायोफाइट आर, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बात हमेशा याद रख लो, ब्रायोफाइट एक ऐसे मेंबर है जिनके सभी सभी जो प्लांट्स होते हैं उनमें होमोस्पोरी पाई जाती है, ट्रिडोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें होमो और हेट्रो दोनों कंडीशन पाई जाती है, आपके जिम्नोस्पर्म में हेटरोस्पोरी होती है, एंजियोस्पर्म में हेटरोस्पोरी आपको देखने को मिलती है, तो कहा जाता है ऑलवेज होमोस्पोर्स, ऑलवेज हेटरोस्पोर्स नहीं, समटाइम नहीं, समटाइम ये ट्रिडोफाइट के रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो आपके लिए फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रोबिलस इज फाउंड इन, स्ट्रोबिलस अभी अभी अपन ने इक्विसिटम में देखा है, ठीक है, तो स्ट्रोबिलस कहाँ होगा, इक्विसिटम, ओब्वियसली वही आंसर है, एडियंटम, राइनिया, मार्सिलिया, नो। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मेस्ट, करेक्ट ये अच्छा है, एनसीआरडी ने जो ट्रिडोफाइट आपको एक्सप्लेन की है उसके लास्ट लाइन में लिखे हैं कि ट्रिडोफाइट डिफरेंशिएट इन 4 क्लास, सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, एंटरोप्सिडा, तो उसमें से आपको मैचिंग करनी है, सेलोप्सिडा में करेक्ट मैच करना है, तो सेलोप्सिडा में साइलोटम एंड
राइनिया आता है, ड्राइपडिरिस्टर ऑप्सिडा में आता है, ये हो नहीं सकता। आपको आंसर यही मिल गया, लाइक ऑप्सिडा में सिलेजिनिला आता है, स्पिन ऑप्सिडा में इक्विसिटम आता है, तो ये नहीं है। टेरॉप्सिडा में फर्न आते हैं, इक्विसिटम नहीं। आपके लिए सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल टर्न इनटू, याद रहे सीड को हम मैच्योर्ड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए ओव्यूल हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ओवरी वॉल कहीं ना कहीं फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो सीड है वो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सीड में। तो आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही एक रेंज ऑफ थैलस से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है। आपके क्लेमाइडोमोनास में बात करें तो क्लेमाइडोमोनास फ्यूकस क्या है, यहाँ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसे सिनोबियम कॉलोनी कहते हैं। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, ये एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली फ्यूकस इज एल्गी बट रिप्रेजेंट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। कैल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसेफोनिया रिप्रेजेंट हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल, सेम एज ब्रायोफाइट एंड ट्रोडोफाइट, ओके। बट अदर मोस्टली एल्गी रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये अच्छा समझने लायक चीज है। अब आते हैं यूनिसेलुलर मोटाइल, कौन है आपके क्लेमाइडोमोनास, आपका एनाइसोगेमी इसी में पाई जाएगी क्लेमाइडोमोनास में सभी तरीके की, और ये आपका मेराइन फॉर्म आप देख पा रहे हैं। तो फ्यूकस में देखो बी में फर्स्ट एंड फिफ्थ, बी में आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ कहाँ है देख लो, फर्स्ट एंड फिफ्थ आपका ये नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए ए में देखते हैं, ए में थर्ड एंड फोर्थ, ए में आपका थर्ड फोर्थ भी जा रहा है, इसमें सेकेंड आंसर की पॉसिबिलिटीज कई गुना ज़्यादा है। अब अपन अगर सी में जाएं तो सी में सेकेंड भी है, आपका सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग गटेशन, गटेशन की प्रोसेस के बेसिस पर क्या सही है, गटेशन है क्या, आप एज यूजुअल जानते हैं गटेशन में एक लीफ होती है अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर, अगर हर्बेशियस लीफ है तो इसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ से ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब वाटर का लॉस होता है या ये ड्रॉपलेट यहाँ एकुमुलेट हो जाती है अर्ली मॉर्निंग इन रेनी सीजन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन, और ये डिपेंड करता है आपके रूट प्रेशर पर। एक और क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, ये रूट प्रेशर के बेसिस पर गटेशन की प्रोसेस में फोर्सफुली पुलिंग फोर्स है उसमें वाटर को लिफ्ट कराया जाता है। आपको ट्रू समझना है, अकर्स थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं है, हाँ हाइडेथोड होते हैं, हाइडेथोड के लिए कहा जाता है कि दे आर परमानेंटली ओपन पोर्स, हाइडेथोड प्रेजेंस इन मार्जिन ऑफ लीव्स स्पेशली इन हर्बेसियस प्लांट लाइक ग्रासेस, कोलोकेशिया, टमेटोज एटसेट्रा, ठीक है। ये क्लोजिंग ओपनिंग मैकेनिज्म शो नहीं करते, इन्हें हम वाटर स्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोथोड से ही गटेशन होता है। प्योर वाटर का लॉस नहीं होगा, याद रहे ब्लीडिंग और गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, सुक्रोज भी होता है, हार्मोन भी हो सकते हैं, अदर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंस हैं। अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग नाइट या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इसी टाइम रूट प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तभी गटेशन की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा बनती हैं। आपके लिए एक तो ये सही है सेकेंड, और आपके लिए एक फोर्थ सही है, मतलब आपका आंसर थर्ड करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एडेशन थ्योरी, एक्चुअली ट्रांसपिरेशन जब पुल बनता है तो यहाँ वेसल्स के अंदर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दे रिप्रेजेंट कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, दिस इज कोहेसिव एंड दिस इज एडेसिव फोर्स, ठीक है। ए सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स बनता है उसे हम कोहेसिव कहते हैं, और ये इसी की वजह से कंटिन्यू कॉलम के फॉर्म में वाटर प्रेजेंस होता है, क्लियर। ऐसे तो ये किससे रिलेटेड है, रिले पंप थ्योरी नो, पल्सेशन थ्योरी नो, रूट प्रेशर थ्योरी नो, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बिल्कुल सही है। डिक्सन जोली ने ये थ्योरी दी है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है, एनसीईआरटी में है। द कॉमन फीचर्स सेड बाय गार्ड सेल एंड द मीजोफिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन पहले ही ऐसे पूछा गया था कि विच इज सिमिलरिटी बिटवीन गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल ऑफ लीव्स, बोथ हैव क्लोरोप्लास्ट, दोनों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो वही इसमें बताया गया, यहाँ मेसोफिल टर्म यूज किया गया, उसमें पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें एपिडर्मिस आया था। तो पॉसिबिलिटी जो होती है वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। डंबल शेप ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थिक वॉल ये नहीं है, आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर 100% सही है। नेक्स्ट चलते हैं, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स को समझ लें आप, ये एक छाल रीजन होता है, ठीक है। अब छाल में क्या होता है इनका, यहाँ पर ये बार्क है और इस बार्क के अंदर कुछ पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके के पोर्स आपको यहाँ छाल में देखने को मिलते हैं। दे आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए बनाए जाते हैं, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि नो डाउट ट्रांसपिरेशन के हम तीन टाइप बताते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर। लेकिन लेंटिकुलर में 0.1 से लेकर 1% तक ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसी एक जगह और समझ सकते हो, न्यूमेटोफोर के रेस्पेक्ट में कुछ याद आ रहा है, मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर आपके न्यूमेटोफोर्स का फॉर्मेशन होता है, और न्यूमेटोफोर्स आपके कुछ इस तरीके से अपोजिट द सॉइल सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। और यहाँ पर कुछ जो पोर्स होते हैं इन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर भी टर्म लेंटिसेल यूज होता है। तो लेंटिसेल्स आर परमानेंटली ओपन पोर्स प्रेजेंस इन रूट्स ऑफ न्यूमेटोफोर्स एंड बार्क रीजन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, O2 एंड CO2। क्लियर? तो गैसियस एक्सचेंज इसका करेक्ट आंसर हमेशा बनेगा। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन, ये किसके द्वारा होता है। अब सीड जर्मिनेशन में क्या चाहिए, सीड जर्मिनेशन में मेन तीन फैक्टर चाहिए। नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि ड्राई सीड्स में 10-15% अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इनके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, तो इन्हें ऑक्सीजन भी बहुत एक्सेस अमाउंट में चाहिए। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करने के लिए इनकी हर सेल में लगभग मोर देन 60-50% अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, तभी ये एक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, वो सारे फैक्टर्स चाहिए इसे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये जरूरी है। स्टार्च सिंथेसिस ये करेंगे नहीं, बल्कि स्टार्च अगर ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड्स हैं तो स्टार्च का तो डिग्रेडेशन होगा, है ना, इवोल्यूशन नहीं, इन्हें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। फैट सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस नहीं होगा अगर ये फैटी सब्सटेंस है, सपोज कैस्टर है, ग्राउंडनट है, तो इन्हें फैट को कन्वर्ट करना होगा ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ, याद है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो ग्लाइऑक्सिसोम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री, डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, इज एसेंशियल फॉर द वाइटल फंक्शन। आखिर प्लांट में कौन से फंक्शन के लिए एक सेल के प्रोटोप्लास्ट का डिजेनरेट होना जरूरी है। यहां समझ में आना चाहिए आपको कि ट्राकिड और वेसल्स एक्चुअली डेड टिश्यू हैं, और इनमें से प्रोटोप्लास्ट डिजेनरेट होता है, तभी इनमें ल्यूमेन जनरेट होता है, और तभी एज ए ट्यूब वर्क करते हैं। एक और चीज याद रखो, सीप ट्यूब भी एक अडेप्टेशन है, वहाँ न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो फूड मटेरियल यानी कि सुक्रोज को ट्रांसलोकेट कराने में कैपेबल होता है। और यहाँ जाइलम के जो ट्रकीड वेसल्स होते हैं वो आपके वाटर मिनरल को सप्लाई करने के लिए खुद के प्रोटोप्लास्ट को डिजनरेट करते हैं और ट्यूब लाइक फॉर्म में वर्क करते हैं। तो वही चीज़ है फूड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सीप ट्यूब इंक्लूड एज ए लिविंग, तो आपका ये आंसर नहीं बनेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, स्टोमेटल मूवमेंट यहाँ पर डेड होने की जरूरत नहीं है गार्ड सेल को, बोथ वाटर एंड फूड, फूड नहीं, फूड जैसे ही आएगा वहाँ सीप ट्यूब की बात होगी, सीप ट्यूब आर लिविंग, तो आपके लिए की आंसर बन रहा है वो है आपके सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट गर्डल, बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था 15 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट डाई अर्लियर इन गर्डल प्लांट।
गर्डल, जिनमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए उसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट मर जाएगा, उसमें दो ऑप्शन खास थे, रूट डाई अर्लियर एंड सूट डाई अर्लियर। तो उसका राइट आंसर आपको रूट डाई अर्लियर, बिकॉज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से आपने बार्क को रिमूव किया है, इसका मतलब फ्लोएम को रिमूव किया है, तो लीव्स में जो प्रिपेयर्ड फूड है वो रूट तक नहीं पहुंचेगा, और एब्सेंस ऑफ फूड में फूड की होने पर ये रूट्स अर्लियर डाई सो करेंगे। वाटर विल नॉट मूव डाउनवर्ड, वाटर तो अपवर्ड डाउन करता है, वाटर विल नॉट मूव अपवर्ड। हाँ, अरे आपने तो बार्क को रिमूव किया है, जाइलम को थोड़ी, तो ये भी आपके लिए आंसर नहीं बनेगा। सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव डाउनवर्ड, ये सही है, पत्तियों में जो फूड बनेगा वो आपके जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, और इस केस में जड़ें सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आएंगी। शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल विल नॉट मूव अपवर्ड, नहीं डाउनवर्ड का बात होती है। याद करो प्लांट वाटर रिलेशन जहां पढ़ाया गया है उसमें जरा आप लास्ट में जाके पढ़ना, जहां समरी आ जाती है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में, उसके ठीक ऊपर की लाइन में पढ़ना, वहां पर ये बात कही गई है, मेनली कही गई है कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट द फूड मटेरियल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस सेंस में ये आंसर क्वेश्चन हमारे लिखा आ सकता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन, कहाँ, ये आपके लिए रूट है, ऑब्वियसली ये रूट कैप है, यहाँ पर आपका मेरिस्टेम है, क्लियर, ये आपका इलोंगेशन जोन है, ठीक है, दिस इज इलोंगेशन जोन। अब यहाँ जो रूट आप देखते हैं ये जो आपका सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड रूट हेयर, और ऊपर का जो सेगमेंट है वो मैचुरेशन, तो आपका रूट हेयर जो जोन होता है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, रूट कैप में नहीं हो सकता, रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं होता है, मैचुरेशन यहाँ है, इस जगह को हम मैचुरेशन कहते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं, इसी जोन में सबसे ज़्यादा रूट हेयर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इलोंगेटेड फिलामेंटस यूनिशेलर हाइग्रोस्कोपिक बिलियंस ऑफ रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन रूट हेयर जोन, दे रिप्रेजेंट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। क्लियरिफाई, द पाथ वे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से चलो, ये रूट हेयर है, ये सॉइल है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से कॉर्टेक्स में आ जाएगा, यहाँ से एंडोडर्मिस में आ जाएगा, यहाँ से पेरिसाइकल है, यहाँ से आपका प्रोटोजाइलम होगा, एक्सार कंडीशन होती है, या मेटाजाइलम होगा, लो भाई, है ना, तो आप देख लो कहाँ सॉइल यहाँ है, बाकी में सॉइल है ही नहीं कहीं, रूट हेयर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, डिफरेंट प्रोटीन्स विल विच आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन आर इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन, किस में ये कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की बात हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी के साथ साथ में कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, चलिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ना वो पैसिव मूवमेंट कहलाता है, और पैसिव मूवमेंट में भी चैनल प्रोटीन होती है, याद करो पैसिव में भी कहा गया है कि इसमें सैचुरेशन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑल्सो अफेक्टेड बाई इनहिबिटर्स, दे रिप्रेजेंट सैचुरेशन प्रोसेस, रिप्रेजेंट डाउनहिल मूवमेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, तो यस, तो आपके लिए बोथ आंसर ज्यादा करेक्ट बनेगा, एक्टिव में भी आपको एनर्जी प्लस रिक्वायर्ड होगा चैनल प्रोटीन्स, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। साइटोकाइनिन एसेंशियल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, चलिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, एबीए जो हार्मोन है उसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कहा जाता है कि अगर हाई टेम्परेचर है ड्राइनेस कंडीशन है तो ये वो हार्मोन है जो एडवर्स कंडीशन को से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में डिफरेंट फंक्शनिंग को शो करता है, ये कहा जाता है कि दिन के समय भी स्टोमेटा को क्लोज कर सकता है, और इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करके वाटर लॉस को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, तो एबीए रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं,
क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं एडवर्स कंडीशन में ही वर्क करते हैं. नेक्स्ट, स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमियन मेम्ब्रेन. ठीक है, ये किसकी ओर जा रहा है? ऑस्मोसिस की ओर ये जा रहा है. क्वेश्चन, मेम्ब्रेन कैन एग्जामिन थ्रू द एक्सपेरिमेंट पोटैटो ऑस्मोमीटर. ये बिल्कुल सही है. टमाटो नहीं, हाइड्रा लीप में आप फोटोसिंथेसिस स्टडी करते हो, ये नहीं. यहाँ पर अपन ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, तो आपके ऑस्मोसिस को पोटैटो के अंदर स्टडी कर सकते हैं. याद है, पोटैटो को अपन बिल्कुल एक लेयर के फॉर्म में कट करते हैं, फिर इसमें अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रख देते हैं. क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ रखा जाता है, और इसके अंदर हम शुगर पार्टिकल ऐड कर देते हैं. ये क्या है? शुगर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, और उस वजह से यहाँ एंडोस्मोसिस प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, और यहाँ की जो सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो सभी पर नेचर को रिप्रेजेंट करती है. क्लियर? ये पोटैटो, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बड़े आराम से घर पर भी समझ सकते हैं. नेक्स्ट, इन प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, जीव द्रव्य कुंचन के समय क्या होगा? वाटर मूव आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. सही है, वाटर मूव इन नहीं, कभी भी ये वहां से बाहर की तरफ आएगा. किसकी तरफ? ये एक्चुअली बाहर की तरफ पहुंचेगा, इन में नहीं, अंदर नहीं आएगा. आप समझ ही लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर एक सेल है. ठीक है, इसमें एक वैक्यूल है. अब इसमें क्या है, आपने यहां पर शुगर सॉल्यूशन रख दिया. क्या? शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सबसे पहले वाटर इजेक्ट होगा साइटोप्लाज्म से, फिर वैक्यूल से वाटर आएगा साइटोप्लाज्म. इसी पर ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. ठीक है, तो आपका ये सबसे पहले तो देखने पर आंसर सही बन रहा है. आगे चलते हैं. देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आंसर मिल भी जाए तब भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम के बेसिक रूल हमेशा याद रखना, इनमें कोई गलती नहीं होना चाहिए. इसी गलती की वजह से कई बच्चे आते हुए क्वेश्चंस को भी कई बार गलत करके आ जाते हैं. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी काम नहीं करना है. वाटर एंड मिनरल्स मूव आउट. मिनरल्स आउट क्यों होंगे? ठीक है, वाटर मिनरल्स मूव इन साइटोप्लाज्म. मिनरल्स नहीं, वाटर के ये इन नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ मिनरल्स के आउटिंग नहीं होगी. ठीक है जी, वाटर इजेक्ट होगा, और उस वजह से इसका जो सेल है वो कहीं ना कहीं सेंटर में जाके एकुमुलेट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस. ये प्रोटोप्लास्ट है. क्या है? जो सेंटर में जाके श्रिंक हो गया. क्यों? क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हुआ है. क्लियर? ऐसे तो हमारा फर्स्ट ज्यादा सही आंसर है, वाटर मूव आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. करेक्ट मैथ लिस्ट वन एंड सेकंड. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बाइबेशन, ट्रांसपायरेशन. क्लियर? एक साइंटिस्ट हुआ है कर्टिस. ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल. ये कहता था कि आवश्यक बुराई है. क्या? ट्रांसपायरेशन. सही बात है. अफेक्ट बाय ह्यूमिडिटी. ट्रांसपिरेशन ह्यूमिडिटी से सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स. अगर बाहर की तरफ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सबसे कम होगा. ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फियर. याद रखना इसे. ठीक है, यूजुअली रिवर्सिबल. प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल हो सकती है. इंक्रीज वॉल्यूम आपका ये इम्बाइबिशन करता है. अपहिल कौन है? आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट. टेक प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. प्लाज्मोलाइसिस ही आपके यहाँ होगी. ठीक है, अच्छा जी, ये इम्बाइबिशन के रेस्पेक्ट में जा रहा है. ये कौन किस में जा रहा है? सी के केस में जा रहा है. क्लियर? और सी में और क्या गया था? ये सी में गया है, तो आप चलो सी से ही स्टार्ट कर लो. तो सी में आपका एक तो जा रहा है फोर्थ, और एक जा रहा है सेवेंथ. फोर्थ एंड सेवेंथ कहाँ है? लो भाई, आपका आंसर यही मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है. ठीक है, बाकी हिसाब से जोड़ लो. आपके ए में कौन है? ए में एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फोर्थ फिफ्थ है,
ओब्वियसली आपके सेकेंड करेक्ट आंसर बन रहा है, बाकी सब मैचिंग आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड इन एनसीईआरटी में, जहां ट्रांसपिरेशन है वहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कहा भी गया है, हाइपोस्टोमेटल लीफ, एपिस्टोमेटिक लीव्स, एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव्स, एम्फी आइसोस्टोमेटिक लीव्स अगेन डिफरेंशिएट इन टू टाइप, क्या आइसो एंड एन आइसो। एन आइसो डाइकॉट में होती हैं, जहां पर लोअर एपिडर्मिस में एस्टोमेटा ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अपर, और जो आइसो एम्फीस्टोमेटिक लीव्स होती हैं वो मोनोकॉट में होती हैं, वेयर सिमिलर अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंस ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीव्स। क्लियर? तो पहले तो डॉर्सी वेंट्रल की बात हो जाए, ये आपका आंसर यहाँ हो सकता है। डॉर्सी वेंट्रल में अपर पर कम होंगे, लोअर पर सबसे ज्यादा होंगे, तो लोअर जो एपिडर्मिस होती है, मतलब डाइकॉट के केस में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ओ टाइप के स्टोमेटा है। ग्रेटर नंबर ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है, तो लोअर मोस्ट सरफेस पर ही सबसे ज्यादा स्टोमेटा डाइकॉट के केस में होते हैं। ये अभी अपन ने डायग्राम भी देखा था, ये एक रूट का डायग्राम है। फाइंड आउट द करेक्ट सिक्वेंस लेबल्ड, क्या क्या, ये तो आपका मैचुरेशन हो गया, रूट हेयर हो गया, एलोंगेशन जोन हो गया। तो आपका ए मैचुरेशन है, लो भाई एक तो मैचुरेशन यहाँ मिल रहा है, बाकी आपको कहीं, हाँ ये मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम है, आंसर आपका फर्स्ट में ही मिल रहा है। ये आपका रूट हेयर जोन हो गया, बिल्कुल सही है, एलोंगेशन जोन हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मोस्ट पावरफुल इम्बाइबेंट, बिल्कुल अगार अगार को याद रखना। एक बात और याद रखना, रेड एंड ब्राउन एल्गी हैव हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस ऑन आउटर वॉल एस आउटर वॉल। फिर ब्रैकेट में एनसीईआरटी इंग्लिश ने लिख रखा है कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, इनमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब फिर वहां एनसीईआरटी ने कहा गया है कि हाइड्रोकोलॉइड इन ब्राउन एल्गी फाउंड एज एल्जिन एंड इन रेड एल्गी दे आर प्रेजेंट इन केराटिनिन। रेड एल्गी में हमें जेलिडियम ग्रिसिलेरिया से ही अगार अगार ऑब्टेन होता है, अगार अगार में सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये ड्राई वेट का 90% तक वाटर अब्सॉर्ब कर सकता है। तो अगार अगार को आप हमेशा याद रखेंगे इम्बाइबिशन के रेस्पेक्ट में। सेल वॉल ऑफ स्पायरोवारा इज कंपोज्ड ऑफ, याद रहे किसी भी एल्गी की इनर जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि एल्गी आर मेंबर ऑफ प्लांट्स किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जो सेल वॉल है उसे सेलुलोज का होना मस्ट है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो आउटर जो वॉल होती है वो वेरिएबिलिटी शो कर सकती है। ग्रीन एल्गी में पैक्टोस से बनी है, मतलब पैक्टिन से बनी है, और आपके रेड एंड ब्राउन में ये हाइड्रोकोलॉइड से बनी है, लेकिन इनर लेयर सेलुलोज की हर जगह होगी, ऐसे कुछ याद रखना। तो पैक्टिन एंड सेलुलोज, ये ठीक है। आपके सेल वॉल आउटर इनर की बात नहीं करी गई है, इनर आपकी इससे हो जाएगी और आउटर आपकी इससे हो जाएगी, क्लियर? तो आपका फोर्थ आंसर सही बन जाएगा, क्लैरिफाई? या नेक्स्ट, पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्फैग्नम, ज्यादा कुछ नहीं करना, आगे चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पजेस नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये। इवेंट यूनिक एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर क्या है? देखो, सिनगैमी प्रेजेंस इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमेट्स लाइक मेल एंड फीमेल, बट डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। तो आपका आंसर यही बनेगा, यूनिक इवेंट क्या है, विशिष्ट घटना क्या है। नेक्स्ट, हैप्लॉन्टिक साइकिल आपकी कहाँ मिलेगी? वॉलवॉक्स। मोस्टली एल्गी हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि वॉलवॉक्स की बॉडी हैप्लॉइड है। आपके यहां कैसी होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहाँ कहाँ मिल जाएगी आपको? एक तो साल्बिनिया में मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी, यहां कैसे मिलेगी? डिप्लॉन्टिक, क्लियर? तो इसमें हैप्लॉन्टिक आपको सिर्फ फर्स्ट यानी कि बॉल बॉक्स में ही मिलेगी। एल्गी ब्राफाइट एंटरोपाइट रिजेंबल,
विथ ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में ये सिमिलरिटी शो करते हैं, रिसेम्बलेंस शो करते हैं. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यहां नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता. डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है. ऑल दीज मेंबर्स या ग्रुप हैव मोटाइल मेल गैमेट्स, मीन्स दे हैव फ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइट्स, दे मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट बाय द वाटर. हैप्लोइडिक अल्टरनेशन जनरेशन, यहाँ हैप्लोडिप्लोइडिक है, हैप्लोडिप्लोइडिक है, ये हो नहीं सकता. एम्ब्रियो एल्गी में है ही नहीं, तो यहाँ सिमिलरिटी नहीं. आपकी सिमिलरिटी इस पर ही बन रही. नेक्स्ट, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन मार्केंसिया. ए रही आपके लिए मार्केंसिया का स्ट्रक्चर, और यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या, ये एक डिस्क है, और इस डिस्क को याद रखना कुछ इस तरीके से होती है. ये एक डिस्क है ऐसी, और इसमें आर्किगोनियम की लोकेशन होती है, और इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे आर्किगोनियोफोर. इज दैट क्लियर? या तो ये आर्किगोनियोफोर है, इसी पर बात की जा रही है, और ये मार्केंसिया है. मार्केंसिया, इज दैट क्लियर? तो मार्केंसिया की प्रेजेंस आपको यहां देखने को मिल सकते. तो ये मार्केंसिया है जहां पर हम ये आर्किगोनियोफोर देख रहे हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, आर्किगोनियल डिस्क. आर्किगोनियल डिस्क, क्लियर? ये एक्चुअली मेल और फीमेल आर्किगोनिया में डिफरेंस यानी कि वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिनोइड आर मेड अप ऑफ. फिर से ये वो क्वेश्चन है जो आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है. एनसीईआरटी में पायरिनोइड का जिक्र है. इवन आप क्लेमाइडोमोनास का अगर डायग्राम अच्छे से देखते हैं तो वहां पर आपको पायरिनोइड दिख भी जाता है, क्लियर. तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, और कप शेप क्लोरोप्लास्ट में याद रखना बेटा जी, यहाँ स्टार्च की सीट है आउटर मोस्ट सरफेस पर, और जो सेंटर है इसमें वो सेंटर बना हुआ है आपका प्रोटीन पार्टिकल से. किससे? प्रोटीन. तो ये तो आपके लिए हो गया क्लोरोप्लास्ट कप शेप, है ना. यहाँ इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके फ्लैजेला हो गया, है ना. तो हमारा फोकस इस पर होना चाहिए. दिस इज स्टार्च, क्या, सीट, आउटर मोस्ट कवरिंग. याद रहे स्टार्च आउटर मोस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी पायरिनोइड को स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल कहते हैं. स्टोरेज तो यहां प्रोटीन का हो रहा है. किसका? प्रोटीन. कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि साहब अंदर की तरफ जो स्टोर हो रहा था वो तो प्रोटीन था, लेकिन हम इन्हें प्रोटीन स्टोरिंग ग्रेन्यूल नहीं कहते, इन्हें हम कहते हैं स्टार्च स्टोरिंग ग्रेन्यूल. क्लियर? क्योंकि एल्गी में है, और एल्गी का रिजर्व फूड स्टार्च होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरिनोइड. क्या कहेंगे? पायरिनोइड. पायरिनोइड ग्रीन एल्गी में सबसे ज्यादा प्रेजेंस होते हैं. एनसीईआरटी ने एक और कंसेप्ट दिया है, वन एंड मेनी. तो कुछ ऐसे भी दिमाग में रखना कि अगर एनसीईआरटी इस लाइन पर फोकस करके थोड़ा सा आगे जाती है तो फिर वन और मेनी की ओर जाएगा. तो वन पायरिनोइड आपको कहाँ मिल रहा है? क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, ठीक है. और मेनी पायरिनोइड्स कहाँ मिलेंगे? मेनी पायरिनोइड याद रखियो, क्या, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. यही आपको समझना है, यही सॉल्यूशन का मेन मकसद है कि आपके पॉसिबल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कराया जाए, ठीक है. आप इसको अदर वे में ना लें, आप एक क्वेश्चन के साथ साथ में एक और पॉसिबल क्वेश्चंस भी स्टडी करते हो, क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट के लिए क्या सही है? सम आर थैलोइड, सही है. जितने भी लिवरवर्ट्स होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने पहली लाइन में कहा रखा है
liver moss sorry bryophytes are differentiated in liverworts and moss. To aapke kuch ho gaye thalloid, undifferentiated plant body. They possess archegonia. Theek hai, archegonia inme hote hain, bilkul archegoniate hain, embryophytes hain, chloroplast bhi paya jayega. All of these iska answer correct ban jayega. Theek hai. Which of the following plant produce seed? सीड बनाते हैं बट नॉट फ्लावर. इनमें फ्लावर नहीं बनते. क्यों नहीं बनते? क्योंकि इनमें एनिमोफिली पाए जाते हैं, विंड पॉलिनेशन इनमें देखने को मिलता है. इनमें कॉर्न पाए जाते हैं. एक्चुअली इवोल्यूशन है. ट्रेडोफाइट में आपको स्ट्रोबिलस कॉर्न मिलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में कॉर्न स्ट्रोबिलस ही तो मिलेंगे. एंजियोस्पर्म ने वेरियस टाइप के मोड ऑफ पॉलिनेशन को ऑप्टेन किया है, इसीलिए उन्होंने फ्लावर को डेवलप किया था. तो यहाँ पाइनस के लिए ये बात सही जा रही है. ऑल अदर आर एंजियोस्पर्म व्हाइल पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म. क्लैरिफाई. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल. देखो, मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट को ठीक से समझें. आपके लिए कुछ खास चीजें बता देता हूँ. एक फॉसिल ट्रेडोफाइट होता है. क्या? फॉसिल टेरिडोफाइट कौन है भाई, पूछा जाएगा. राइनिया 12th की एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग अन्यथा न लें. देखो, कई बच्चे एक और चीज दिमाग में रखते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ 11th की एनसीईआरटी. नहीं, बिल्कुल गलत है. क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ 11th 12th ज़्यादा मायने नहीं रखता, इंफॉर्मेशन मायने रखती है. ठीक है, तो राइनिया ये ट्रेडोफाइट का मेंबर है, लेकिन आपके प्लांट के एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन वाले हिस्से में जो डायग्रामेटिक स्टडी आपको कराई गई है, वहाँ ज़्यादा ध्यान से देखना, वहाँ राइनिया का जिक्र है, और इसीलिए हमारे लिए खास बन सकता है. ये एक फॉसिल प्लांट है. अब आपके लिविंग फॉसिल में कौन कौन आता है? लिविंग फॉसिल, तो लिविंग फॉसिल में दो चीज़ें याद रखना, एक है आपके लिए साइकस और एक है गिंगो, GINKGO. कौन है? गिंगो के जियो, गिंगो बाइलोबा. इन दोनों को लिविंग फॉसिल कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर एग्जिस्ट इन नेचर. स्टिल दे आर नियरेस्ट प्लांट्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम नेचर और दे आर फॉसिलाइज्ड, बट दे आर प्रेजेंट इन नेचर, हेंस दे कॉल्ड लिविंग फॉसिल. Why gametophyte of pteridophyte are grown in? अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसी लाइन से लिया गया. Cool, damp and sandy places. ऐसी जगह पर क्यों रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, इसीलिए तो आप समझ सकते हो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म खास तौर से इक्विसिटम में दी गई. कोशिश ये की गई कि कैसे भी स्पोर्स जो हैप्लॉयड है, जो गैमेटोफाइट को डेवलप करेगा, वो ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा. ठीक है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा तो नेचर में वो एग्जिस्ट कर पाएंगे. टू फुलफिल नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, आंसर तो यही आ रहा है. टू प्रोवाइड लो टेम्परेचर फॉर फर्टिलाइजेशन, ऐसा कोई बहुत मेजोरिटी में अफेक्ट नहीं पड़ता. ऑप्टेन मैक्सिमम वाटर फोर्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके जो मोटाइल एंथेरोजोइट्स हैं वो वाटर में ही स्विम करके फीमेल गैमेट तक जा सकते हैं. ये भी नहीं हो सकता. तो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट. नेक्स्ट, मॉस अलोंग विथ लाइकेन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आर ग्रेटर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज एक्चुअली ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, बेयर रॉक्स पर लाइकेन के लिए कहा जाता है कि लाइकेन इज ए सिंबायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. फंजाई के अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एक डिकम्पोजर्स है, तो उनके एंजाइम क्या करते हैं, सॉइल की अपर सरफेस पर केमिकल वेदरिंग करते हैं, और केमिकल वेदरिंग से वहां पर लिटिल अमाउंट में सॉइल जनरेट होता है. यह एक पॉइंट हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर से सुनने लायक है. एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि लाइकेन चट्टानों को पिघला देती है. ये शब्द यूज किया है, एक्चुअली पिघला नहीं देती है, कोई हाई टेम्परेचर नहीं है कि वो पिघल जाता है, बल्कि मृदा क्षरण करती है. कैसे? क्योंकि इसमें फंगस होती है
और उसके जो केमिकल एंजाइम्स रिलीज होते हैं हाइड्रोलाइटिक, वो एक्चुअली केमिकल वेदरिंग करते हैं, ठीक है, उससे लिटिल अमाउंट में सॉयल बनता है। तो आप ठीक है, शब्द है उसके मतलब अलग निकल सकते हैं, लेकिन याद रहे वो इसी सेंस में कि वहां पर लिटिल अमाउंट में सॉयल का फॉर्मेशन होता है। डिकॉलोनाइज बेयर रॉक्स, डिकम्पोज रॉक्स, ठीक है, सही जा रहे हो। इट कंट्रीब्यूट प्रिवेंट सॉयल इरोशन। देखो सॉयल इरोशन कैसे, जैसे मान के चलो आपकी एक चट्टान है, यहाँ पर ये लाइकेन सर्वाइव हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपके दूसरे फैक्टर से तो ये प्रोटेक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि ये सॉइल की अपर सरफेस पर एक्युमुलेट हुआ है, और वहां पर ये एक्चुअली अदर फैक्टर से इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। इट्स कंट्रीब्यूट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, खास तौर से ये जीरो सीरी में पार्टिसिपेट करता है, किसमें, जीरो सीरी में कंट्रीब्यूट करता है, और इस तरीके से आपके तीनों ऑप्शन ये करेक्ट जा रहे हैं, है ना, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा, क्लैरिफाई। या द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेडोफाइट इज, क्या है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, बिल्कुल सही, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीव्स, ये सही जा रहा है, स्पोरोफाइट टू एन हैविंग नो, गलत हो गया यहीं पर, गैमिडोफाइट हैविंग नो रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, ऐसा इसमें है तो सही, थैलॉयड फॉर्म होते हैं, लेकिन आपके चूंकि मैन प्लांट बॉडी की बात हो रही है, मैन प्लांट बॉडी, ध्यान दो, आप इसमें दो आंसर लगा सकते हो, मैन प्लांट बॉडी चूंकि क्या है, स्पोरोफाइट, बात उसकी हो रही है, तो बात उसकी हो रही है तो हम उसी के रेस्पेक्ट में ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, वो है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट, ए प्लांट ग्रुप विच हैव एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है बट लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, देखो इसको, इसमें क्लासिफिकेशन होता है एम्ब्रियो के बेसिस पर, नॉन एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट, नॉन एम्ब्रियोफाइट में हम थैलोफाइट रखते हैं, मतलब एल्गी रखते हैं, एम्ब्रियोफाइट में आपका आता है ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर एम्ब्रियोफाइट को आप वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर दो ग्रुप में बांटते हो, क्या, नॉन ट्रैकियोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट, नॉन ट्रैकियोफाइट जिनमें वैस्कुलर बंडल नहीं है वो उसमें आता है ब्रायोफाइट, और ट्रैकियोफाइट में आता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को फिर बांटते हैं सीड के बेसिस पर, स्पर्मेटोफाइट्स एंड नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स इंक्लूड टेरिडोफाइट्स व्हाइल द स्पर्मेटोफाइट्स इंक्लूड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, एम्ब्रियो है, तो आपके लिए ब्रायोफाइट करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोफिलस, एनसीईआरटी की लाइनें हैं कि स्मॉल लीव्स प्रेजेंस इन सेलेजिनेला व्हाइल द लार्ज लीव्स, कंपाउंड लीव्स, फैदरी लीव्स प्रेजेंस इन फर्न, फर्न में जो अपर पार्ट होता है मोस्टली प्लांट्स के अंदर, चाहे टेरिडियम हो, डायोप्टेरिस हो, इन सब के अंदर कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं और बड़े बड़े आकार की होती हैं, तो हमारे लिए सेलेजिनेला करेक्ट आंसर बन जाएगा। साइकस में तो बहुत बड़ी लीव्स होती हैं और वो कंपाउंड होती हैं, स्मॉल नहीं होती हैं, परसिस्टेंट लीव्स होती हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप ऐसे सेंस मत लगाना कि ये सब कहाँ लिखा है, आप जाके एनसीईआरटी को ध्यान से देखेंगे तो वहां मिल जाएगा, क्लैरिफाई। या अगार अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रिसिलेरिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का है, आपके यहाँ पर दो चीजें समझी जा सकती हैं कि जो मॉस का प्लांट होता है वो डिफरेंशिएट इन रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड देयर स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमिडोफाइट, इनका जो स्पोरोफाइट है ये पूरा, ये कैप्सूल है, ये इसका सीटा है, यहाँ पर इसमें फुट रीजन होना चाहिए अंदर की तरफ, और ये लीव्स है, ठीक है, तो बी आपके लिए स्पोरोफाइट है, ए गैमिडोफाइट है, लो भाई आपका आंसर फर्स्ट बन रहा है, स्पोरोफाइट, गैमिडोफाइट, कैप्सूल, राइजोम, लो, तो आपका ए क्या है, ए है गैमिडोफाइट, यस, तो ए बी रेस्पेक्टली पूछा है ना आपको। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए
आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है तो हाईली सेलेक्टेबल। अपहिल, अपहिल लो भाई, अपहिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। डाउनहिल कैसा होता है? डाउनहिल मूवमेंट किसमें होगा? डाउनहिल आपका होगा, डाउनहिल होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। यहां पर हाई कंसंट्रेशन टू लो, चाहे वो सिंपल हो चाहे फैसिलिटेटेड। अपहिल जो होता है वो एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसे अपहिल कहते हैं। तो डिफ्यूजन के लिए वो सही नहीं है। नेक्स्ट, ए सेल व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्यूशन इंक्रीज इन वॉल्यूम। आप कोई भी एक सॉल्यूशन ले रहे हो, एक सेल है, इंक्रीज वॉल्यूम कैसे होगा? जब एंडोस्मोसिस करेगा तो बाहर कौन होना चाहिए? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तभी तो एंडोस्मोसिस होगी। एंटीपोड क्या होता है? ये मेम्ब्रेन है, इसमें एक कैरियर प्रोटीन है कुछ इस तरीके से, क्लियर? एंटीपोड का मतलब है ए, अपोजिट डायरेक्शन में कोई पार्टिकल शिफ्ट होते हैं, एंटीपोड होते हैं। टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट इन सेम डायरेक्शन को हम कहेंगे सिंपोर्ट। क्या कहेंगे? सिंपोर्ट। ये आंसर बन नहीं सकता। ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, यूनिपोर्ट हो जाएगा। टू मॉलिक्यूल मूव अपोजिट, अपोजिट, समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। थर्ड आंसर करेक्ट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू आर क्या हैं? इन्वॉल्व किसमें? देखो, एपो का मतलब, यहां अच्छे से समझ लो, यहां एक शब्द आपको आना चाहिए, प्लास्ट। एपो का मतलब होता है अपर, ठीक है। प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन क्या होती है? प्लांट सेल विदाउट आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब सेल वॉल के बिना जितना भी प्लांट सेल का हिस्सा है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो एपोप्लास्ट का मतलब क्या है? ये नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है, सेल वॉल से होता हुआ वाटर मिनरल आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो एपोप्लास्ट, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ आगे बढ़ता है तब वो एपोप्लास्ट। क्लैरिफाई? या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो आपके लिए एपोप्लास्ट तरीके का सही हो रहा है, इन्वॉल्विंग, ठीक है। सिम का मतलब होता है एसोसिएट, दो प्लास्टिड आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आपस में जुड़े होते हैं तो वो सिम्प्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोथोड हेल्प इन गटेशन, पहले भी हम बात कर चुके हैं इन पर। वॉटर इज मेनली ट्रांसपोर्ट इन सू टिप, आगे की ओर कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, रूट प्रेशर, ट्रांसपोर्ट। ये देखो, यहां शब्दों पर जाओ, मेनली ट्रांसपोर्ट, अगर रूट प्रेशर से बात करते हो तो यहां मात्र 2% जाएगा, और वो भी स्मॉल प्लांट में। कहां? स्मॉल प्लांट्स, हर्बेसियस, और यहां ओवरऑल बात हो रही है, मेनली बात हो रही है। ये तो 130 मीटर तक शिफ्टिंग करा सकता है, मीटर, ठीक है। सेकोइया जैसे प्लांट पर भी ये शिफ्टिंग करा सकता है। एनसीईआरटी ने क्या रखा? ट्रांसपिरेशन पुल में लिफ्ट वाटर अप टू द 130 मीटर। 130 मीटर टर्म एनसीईआरटी ने क्यों यूज किया? क्योंकि नेचर में आज की डेट में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो प्लांट है वो है सेकोइया। 130 मीटर को फीट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आपका कितना आता है? सेकोइया जाजेंटिया की जो लेंथ है वो 384 फीट है, और इसी सेंस में एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है। आगे चलते हैं। ए प्लांट ऑर्गन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ फूड विल सर्व एज, जहां कंसंट्रेशन फूड का ज्यादा हो उस एरिया को आप क्या कहोगे? तो ऑब्वियसली जहां फूड ज्यादा बन रहा है, जहां से ये ग्लूकोज बनना है, यहाँ सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, यहाँ से सुक्रोज नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा सोर्स, और ये क्या हो जाएगा? सिंक। क्या हो जाएगा?
सिंक एंड सोर्स, तो आप ऑब्वियसली सोर्स कंसिडर होगा. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लांट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, भोजन का स्थानांतरण पौधों में किस तरीके से होता है याद रखना. पौधों में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज है, पौधों में जो भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है वो सुक्रोज है, पौधों में जो भोजन का स्टोरेज होता है वो आपके लिए स्टार्च. क्या है? स्टार्च. तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है? सुक्रोज के फॉर्म. किस फॉर्म में? ये क्वेश्चन नंबर है 66. फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्रेजेंस गिवन रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली आप देख रहे हैं साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, ये एक्स सेल है, बाई सेल है. यहाँ पर अपना जो साई डब्ल्यू होगा वो कितना होगा? साई डब्ल्यू होगा -5, -10, 5. ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो इसका साई डब्ल्यू जो जेड है उसका होगा -6. क्लियर. इसका जो साई डब्ल्यू होगा वो कितना होगा? -5. अब आप क्या देखोगे कि ऑब्वियसली एक जीरो पॉइंट को याद रखना हमेशा, फुली टर्जिड सेल का जो साई डब्ल्यू होता है वो जीरो होता है. क्लियर. तो आपका यहाँ मैक्सिमम वाटर है, मतलब जो साई डब्ल्यू आपका -5 है, ये -5 है, तो ये तो ऐसे रिवर्सिबल फॉर्म में आपको नजर आएंगे. ठीक है, लेकिन इसके पास वाटर इनके रेस्पेक्ट में कम है, तो आपका एक्स टू जेड चला जाएगा वाटर, और ये रिवर्सिबल शो कर रहे हैं, तो आपका वाटर एक मूवमेंट ऐसे भी देखने को मिलेगा. तो एक्स टू जेड कहाँ दिख रहा है आपको? एक्स टू जेड ये दोनों खत्म हो गए, इनका आंसर में कोई रोल नहीं है. अब आपका एक तो ये आ रहा है, बाई टू जेड जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, आपका आंसर है सेकेंड. क्लियर. यस. नेक्स्ट, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग. फ्लोएम की जो लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस है वो रेस्पेक्टिवली कैसी होती है? ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होती है. कहा जाता है कंपेनियन सेल से जो सीप ट्यूब में एंट्री होती है वो एक्चुअली लोडिंग के बेसिस पर होती है, और लोडिंग फॉर्म में, और जहाँ सिंक रीजन में हम लोग आते हैं तो वहाँ पर अनलोडिंग फॉर्म में हमें एक्टिव प्रोसेस ही देखने को मिलती है. यहाँ पर बाकायदा एनर्जी यूज होती है. गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर. रूट प्रेशर गटेशन एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग या फिर आपकी नाइट में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो शिफ्टिंग है वाटर की वो एक्चुअली हमें देखने को मिलती है थ्रू द रूट प्रेशर. हाई रूट प्रेशर अर्ली मॉर्निंग हमें देखने को मिलता है. स्टोमेटा ऑफ द प्लांट ओपन ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम. पोटेशियम जब अंदर जाते हैं, याद है ये एक स्टोमेटा है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी है, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे नजर आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से जब पोटेशियम अंदर की तरफ जाता है तो पोटेशियम मैलेट बनता है और फिर स्टोमेटा की ओपनिंग होती है. इन्फ्लक्स हाइड्रोजन ये नहीं होगा, तो आपका आंसर फर्स्ट ए बनेगा. क्लियर. नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज स्पेशल फॉर्म ऑफ क्या? डिफ्यूजन. कहा जाता है कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल डिफ्यूजन वेयर वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस. क्लियर, ये चीज कही जाती है. नेक्स्ट चलते हैं, रूट हेयर डू नॉट प्ले इन रोल. रूट हेयर का क्या रोल नहीं है? अपटेक ओ टू, रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि आपने रेस्पिरेटरी रूट भी देखे हैं न्यूमेटोफोर्स के अंदर. मिनरल अपटेक बिल्कुल सही है, वाटर अपटेक बिल्कुल सही है. फोर्थ, ये कभी नहीं करेगा, CO2 की इनटेकिंग नहीं करता. कैस्पेरिन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ सबेरिन प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इन द स्टील थ्रू द एपोप्लास्ट. सही है. कहा जाता है कि एंडोडर्मिस में जाकर जो पैसेज सेल होती है वहां पर, चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, दोनों ही सिम्प्लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिम्प्लास्ट तो सिम्प्लास्ट है ही, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है. प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मूवमेंट इन द प्लांट. ये एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान दो. कहा जाता है NCERT में लिखा है, मिनरल अपटेक में क्या लिखा है, वहां लिखा है कि प्रोटीन प्रेजेंस इन मेम्ब्रेन ऑफ पैसेज सेल्स रिप्रेजेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म और एक्ट एज ए कंट्रोल पॉइंट वेयर टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स डिटरमाइन निर्धारित होते हैं विच आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट.
प्लांट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, और यही वो वजह है कि एपोप्लास्ट के तरीके से जो मिनरल्स और वाटर आए हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा कि आप अंदर की तरफ जा रहे हो वो कितनी अमाउंट में एंटर हो रहे हो और किस टाइप के है। तो आपका फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है, ग्रेडेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व अंडर कंडीशंस। कब होगा? ऑब्वियसली याद रखना, ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए सुबह, तभी तो होता है ग्रेडेशन, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए। हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, चलो ये अच्छा है, हो सकता है। हाई सॉइल वाटर, वाटर भी सफिशियंट हो तभी तो रेनी सीजन की बात होती है। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ग्रेडेशन नहीं होगा। लिटिल सॉइल अमाउंट भी ये काम का नहीं। हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बट लिटिल सॉइल वाटर, अगर मिट्टी में पानी ही नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि रेनी सीजन में खासतौर से हमें ग्रेडेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। तो आपके लिए फर्स्ट 100% करेक्ट आंसर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल डिक्रीज कब हो जाएगा? एक वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कब होता है? जब उसमें सॉल्यूट ऐड किए जाते हैं। क्या? सॉल्यूट का जब एडिशन होता है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, ये सही है। एडिशन ऑफ वाटर नहीं, हाइपोटोनिक होता चला जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। एडिशन ऑफ हीट, हीट का इसमें कनेक्शन नहीं है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। सॉल्यूट, रिमूवल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, रिमूवल ऑफ सॉल्यूट करोगे तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एडिशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा सही है, आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। द मेगास्पोरेंजियम ऑफ पाइनस मेनली कंसिस्ट ऑफ, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम किसे कहते हो? ओब्यूल को। ये एनसीईआरटी एक डायग्राम है, मतलब एक लाइन लिखी गई है, जरा ध्यान देना उस पर। क्या ये, यहां पर कौन है? यहां पर है आपके लिए न्यूसीलस। कौन है? न्यूसीलस। एनसीईआरटी ने जो टर्म यूज किए हैं उनको मैं एज इट इज ले रहा हूं, न्यूसीलस टर्म यूज है। और यहां पर कहा है इनवेलप्स, इनवेलप्स का जिक्र किया गया, ठीक है। इनवेलप्स एक्चुअली कौन होते हैं? इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स कायदे से ये कहे जाते हैं। और ये है कौन? दिस इज ओब्यूल। क्या है ये? ओब्यूल को ही हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? ये मेगा स्पोरेंजियम। तो क्या क्या है? न्यूसीलस प्रोडक्ट बाय फीमेल गैमेटोफाइट, ये नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं। इंटेगुमेंट हैविंग सिंगल आर की गोनिया, ये कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। न्यूसीलस प्रोटेक्ट बाय इंटेगुमेंट, ये ज्यादा सही है, क्योंकि इनवेलप्स को ही इंटेगुमेंट भी हम कहते हैं। सेवरल आर की गोनिया एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय, लो भैया खत्म हो गया। तो मतलब ये है, याद रखना इस चीज को, कि आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, मोस्टली जिम्नोस्पर्म है यूनिटैग्मिक, लेकिन एनसीईआरटी ने इनवेलप्स शब्द यूज किया है, इसीलिए याद रखना कि इसमें दो इंटेगुमेंट की बात हो रही है, और ये पाइनस में पाया जाता है। पाइनस है बाईटैग्मिक ओव्यूल्स, वाइल द साइकस है यूनिटैग्मिक ओव्यूल्स। नेक्स्ट, कोरलाइड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर हैव, क्या रखती है? इरेगुलर पचेज, लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स, ये क्या मतलब हुआ? सिम्बायोसिस एसोसिएटेड विद राइजोबियम, ये गलत हो गया। सिम्बायोसिस ऑफ एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही। बाम, याद रखना बाम एक एंडोमाइकोराइचा को कहते हैं। ये 2014 या 13 में जब आरपीएमटी हुई थी उसमें ये क्वेश्चन बना था। क्या पूछा था? वैस्कुलर अर्वैस्कुलर माइकोराइचा, एक्चुअली ये एंडोमाइकोराइचा का फॉर्म है, आप भी इसे दिमाग में रखना, ऐसे नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ये माइकोराइचा का ही एक टाइप है, एक्टोमाइकोराइचा, एंडोमाइकोराइचा। एंडोमाइकोराइचा को कहा जाता है वैस्कुलर अर्वैस्कुलर माइकोराइचा, इसीलिए इसे वाम टर्म यूज किया गया है। तो ये आपके लिए ऐसा नहीं है कि यूजलेस। लीफी गैमेटोफाइट और मॉस क्या है? लीफी गैमेटोफाइट कौन हो गए? ये रहे लीफी गैमेटोफाइट, ये इनके राइजोइड्स हो गए, और ये इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये आपका लीफी गैमेटोफाइट। हैज मल्टीसेलुलर अनब्रांच, अनब्रांच कभी नहीं, मॉस की बात हो रही है, मॉस में ब्रांच्ड होते हैं, कैसे होते हैं?
मॉस है, ब्रांच, राइजॉइड, और इनमें अच्छी बात यह है कि ऑब्लिक सेप्टम हमें देखने को मिलता है, ऐसे ऑब्लिकली सेप्टम होता है. डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर. हैप्लॉइड स्पोर से जो डेवलप होगा हम उसे प्रोटोनिमा कहते हैं. लीफी गैमेटोफाइट नहीं होगा, लीफी गैमेटोफाइट कभी नहीं होगा, ठीक है. ये तो आपका ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटोनिमा है, उसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं. कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर, लो भाई ऐसे एक्सिस अपर राइट साइड में, बियरिंग स्पाइरल, देखो अरेंज लीव्स, स्पाइरली अरेंज लीव्स इसमें प्रेजेंस होंगी, तो आपके फोर्थ करेक्ट बन रहा है. क्लोरोफिल ए, सी कैरोटीनॉइड एंड जैंथोफिल सी. सी कहाँ होगा? ये ब्राउन एल्गी का करेक्टर है, ठीक है. तो आपके ब्राउन में कौन आता है? DLFC, डिक्टिट ऑफ फ्यूकस एंड पोरफायरा, ठीक है. ऐसे DLFC, तो आपके ये कैरोटीनॉइड जैंथोफिल एक्सेप्ट क्या नहीं, किसमें नहीं पाए जाएंगे? बाकी सब में पाए जाएंगे. इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे. तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट बनना है. क्लियर? ऐसे अब है क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम स्पोर्स इन ब्रायोफाइट. स्पोर्स से होगा तो वो प्रोटोनिमा कहलाएगा. कहा जाता है कि व्हेन हैप्लॉइड स्पोर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस फिलामेंटस गैमेटोफाइट इन मॉस देन इट कॉल्ड प्रोटोनिमा. और प्रोटोनिमा ये भी प्राइमरी होता है. और सेकेंडरी प्रोटोनिमा की डेफिनेशन होती है व्हेन फिलामेंटस गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ मॉस एक्सेप्ट हैप्लॉइड स्पोर्स. तो ये चीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. किसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होगी? फ्यूकस में होगी, साइकस में होगी, मैंगो में होगी, इसमें नहीं होगी. इसलिए यही राइट आंसर आपका बनेगा, क्योंकि वहां पर होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक. द डोमिनेंट फेज ऑफ मेन प्लांट बॉडी इज नॉट स्पोरोफाइट. मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किसमें नहीं होगी? ये एल्गी की ओर जाना चाहिए. एंजियोस्पर्म डिडोफाइट, ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होते हैं मेन प्लांट बॉडी, ठीक है. उनकी कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स हैव डिपेंडेंट स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट. यहां तो यहां तक कहा गया है कि पार्शियली पैरासाइट कौन? स्पोरोफाइट. एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी. Select the option in which their names are correctly matched. ठीक है, चलो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं समझ लो. हम डिक्टेटर का पहले ही क्वेश्चन था अपना, ये डिक्टेटर है. लो भाई, एक आंसर ये है, एक ये है. अब आपका ये कौन है? साल्विनिया. ये सिलेजिनेला, ये सिलेजिनेला. लो आपका आंसर फोर्थ है, ठीक है. नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड एंड आर्किगोनियट. आर्किगोनियम होते हैं, बिल्कुल सही जा रहा है. इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं, विंड पॉलिनेशन, नॉन आर्किगोनियट, ये यहाँ गलत हो गया. एनिमल पॉलिनेशन यहाँ गलत हो गया. फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है. क्लियर? नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीड. बिल्कुल सही है, इनमें नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स कंसिडर होते हैं. ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाई इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट नहीं तो फिर हमें एटैगमिक ओव्यूल कहते हैं. Seeds are not covered by seed coat. ये भी नहीं होगा. Ovules are not enclosed any ovary wall. Ovary wall, ovary wall के basis पर इनको gymnosperm and angiosperm कहा गया. Angiosperm के लिए कहा जाता है angiosperm have covered seed. हिंदी में कहा जाता है आवृत बीजी, बीज के ऊपर आवरण. किसका होगा? ovary wall का ही होगा. और अनावृत बीजी मतलब बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है, ovary wall नहीं है. तो इसी पर खास तौर से फोकस करें. एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी लाइन है. सीड डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो आपके लिए थर्ड करेक्ट आंसर बनता है. नेक्स्ट, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी. अच्छा डायग्राम है, कई बार पॉसिबल इससे क्वेश्चन बन रहे हैं. तो ये आर्की गोनियम फोर जा रहा है आपका, ये यहीं पर एक आंसर मिल रहा है अपन को, ठीक है. विच बी एयर एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम नहीं होते. लो भाई ये गलत हो गया. सी क्या है? गैमा कप है. रिसेप्टिकल इन विच सेक्सुअल नहीं, ए सेक्सुअल. ये भी गलत हो गया.
बी हेल्प इन अटैचमेंट, बी कौन है? राइजॉइड्स. कौन है ये? राइजॉइड्स. क्लियर? ये बात अलग है कि यूनिसेल्युलर होंगे. कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर. तो ये कुछ ठीक जा रहा है, ये सही है. फिर है डी, एक पादप समूह में सम्मिलित है. डी कौन है? ये जो बीजाणु प्रकीर्ण की विस्तृत प्रणाली, विस्तृत है ये, लिवरवर्ट है. ये मॉस के लिए तो लाइन ठीक थी. मॉस है मोर इलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल एज कंपेयर टू लिवरवर्ट. ये तो ये गलत हो गया. क्लियर? आपका सही जा रहा है थर्ड. क्या जा रहा है? थर्ड. नेक्स्ट, गैमी आर क्या है? गैमी, गैमी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं. गैमी का मतलब ये गैमी कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे याद रखना. गैमी और मल्टीसेलुलर ग्रीन, ऐसे इसमें बॉडी है, मल्टीसेलुलर होते हैं. ठीक है, ये स्टॉक है, स्टॉक, दिस इज बॉडी, गैमी है. मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक है, एसेक्सुअल बड है. ये सही जा रहा है. कब सेव क्लोरोप्लास्ट? कब सेव क्लोरोप्लास्ट नहीं है. ग्रीन बट नॉट फोटोसिंथेटिक, सेक्सुअल. ये यहाँ कह के गलत कर दिया, और इसने सेक्सुअल बड कह के ये गलत कर दिया. ठीक है, तो आपके लिए सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बढ़िया है. आपके लिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करी गई है. शॉर्ट डिस्टेंस में आप पढ़ते हो डिफ्यूजन, आप पढ़ते हो ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, डीपीडी, साइडब्ल्यू. इनके जरिए एक सेल से दूसरी सेल में किस तरीके से वाटर की सप्लाई होती है या मिनरल्स की सप्लाई होती है, या फिर एक ही टिश्यू की दो डिफरेंट सेल्स के बीच में कैसे सप्लाई होती है, वो शॉर्ट डिस्टेंस. अब लीव्स में प्रिपेयर्ड जो फूड है वो रूट तक कैसे पहुंचता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ फ्लोएम पार्टिसिपेट करेगा, और आपकी रूट्स के जरिए जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो किस तरीके से लीव्स में पहुंचेंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है. इसमें जाइलम पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वैस्कुलर सप्लाई काम करेगी. तो यहाँ पर आप सीधे ऑल ऑफ दीज की ओर जाएं, क्योंकि डिफ्यूजन भी है, ऑस्मोसिस भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है. ठीक है, या नेक्स्ट, विच इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या नहीं है? एलिमेंट मस्ट अपीयर रिमूवेबल, नॉर्मल सपोर्ट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सही है. रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट कुड नॉट रिप्लेसेबल, बिल्कुल सही है. एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व अफेक्टिंग प्लांट, बिल्कुल सही है. इनडायरेक्टली का रोल नहीं है सर, तो ये गलत हो गया. मतलब यही है इनकरेक्ट. फोर्थ आपके लिए करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा, द टॉक्सिसिटी ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, एमएन. तो ये याद रखना, एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन में लिख रखा है टॉक्सिसिटी वाले हिस्से में. तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी कमी के सिम्टम आपको दिखते हैं जब एमएन की टॉक्सिसिटी होती है. विच स्टेटमेंट फॉर राइजोबियम इज ट्रू? राइजोबियम इज फ्री सॉइल कंडीशंस इन एनारोबिक. नो, जब फ्री होता है तो एरोबिक होता है. राइजोबियम इन सॉइल कंडीशन एरोबिक व्हाइल बिकम एनारोबिक, ये सही है. राइजोबियम इन बोथ कंडीशन रिमेन एनारोबिक, गलत. राइजोबियम इन बोथ कंडीशन रिमेन एरोबिक, गलत. आपका आंसर करेक्ट है सेकंड. क्लियर? नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ. अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल अंक गणितीय वृद्धि का उदाहरण नहीं है. ठीक है, आपको याद हो तो एक जायगॉट की बात करिए. जायगॉट की हर सेल डिवाइड होती है, ट्रांसफर डिवीजन, दो सेल, फिर आपके कितने, फिर आपके चार सेल. तो ये आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ चल रही है. तो प्रो एम्ब्रियो में आपके जियोमेट्रिक ग्रोथ मिलती है. कैसी? जियोमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है जी, अर्थमेटिक यहाँ नहीं मिलती. अर्थमेटिक में तो क्या होता है, ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपकी मेरिस्टेम है और ये आपके अदर परमानेंट टिश्यू है, तो यहाँ अर्थमेटिक ग्रोथ आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो रूट इलोंगेशन नहीं, शूट इलोंगेशन, क्योंकि अपिकल मेरिस्टेम पार्टिसिपेट कर रही है. तो आपका सही आंसर फोर्थ. इन ब्रायोफाइट एंटेरोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वॉटर, किधर गया ये रहा, वॉटर की रिक्वायरमेंट होगी. Rhizobium and Frankia are free living in soil, but as symbiont can fix atmospheric nitrogen. Statement explained. देखो,
बढ़िया है, राइजोबियम के लिए याद रखो, नॉर्मली राइजोबियम आर रॉड शेप, मुटाइल, ग्राम निगेटिव, सॉइल बैक्टीरिया प्रेजेंस एज एरोबिक कंडीशन इन सॉइल, बट इन रूट नोड्यूल दे एक्ट एज ए एनरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक लाइफ स्टाइल, मतलब इनके पास फैकल्टेटिव कंडीशन है, ये दो डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर? फ्री लिविंग ओनली ऑब्लिगेट कंडीशन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, मिनरल्स आयन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, अच्छा है याद रखना, क्लोरोफिल है कौन, क्लोरोफिल ले रहा एक हाइड्री, एक इसमें सेंटर, सेंटर किसका बना होता है, एम जी, इससे यहां से चलो एम जी प्लस प्लस यहां होगा, और इसमें फोर पायरोल रिंग्स भी पाई जाती है, मतलब एन एन एन, इन्हें फोर पायरोल रिंग्स भी कहते हैं। ये कौन है इसका हेड, और ये कौन है टेल, ठीक है जी, ये बनी होती है फोर पायरोल रिंग्स की। अब देख लो आपके क्वेश्चन का आंसर कहाँ बन सकता है, एक यहाँ एक यहाँ, ये तो कतई नहीं बन सकते, ठीक है खत्म करो इनको। अब आपका एफ ही नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन नहीं, अगर बच्चा जरा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो इसमें कोई गलती नहीं करेगा, फोर पायरोल रिंग्स पाई जाती है, ठीक है। इसके बेसिस पर आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, C55A का बना रहा हूँ, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, ठीक है क्या, ये 72 है आपका, O5 है आपके, N4 है, Mg है, ये आपके क्लोरोफिल, आपका आपके नाइट्रोजन भी होगा क्लोरोफिल में, है ना, Mg सेंटर में है, Fe भी जरूरी होती है क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये लिस्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड, बढ़िया है, अच्छा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अमोनिया, लो भाई ये आ गया, अब कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट, ये नहीं, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इंटू द नाइट्रेट इंटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आपका नाइट्रिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ बायोटिक, ये हो गई, ठीक है आंसर देखो, तो आपका ए में जा रहा है थर्ड, ए में थर्ड यहाँ है और ए में, लो भाई आंसर आपको यहाँ मिल सकता है, ए में थर्ड, क्लियर, ये ए में आपका थर्ड जा रहा है, क्लियर, ऐसे तो ए में थर्ड यहाँ पर है, ठीक है, बी में डी नाइट्रिफिकेशन, बी में सेकंड बिल्कुल सही है, नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट, ये सही है, डी में आपका क्या था, अमोनिफिकेशन फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ बायोटिक, बिल्कुल सही है, आंसर आपका सेकंड ही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन व्यू of the their role in synthesis oxygen, oxygen के formation में, zinc को याद रखियो, ठीक है जी, root pressure is maximum कब, कब root pressure कब होगा, transpiration कम होगा, absorption ज्यादा होगा, transpiration high कभी भी नहीं ऐसा होगा, very low, absorption is high, ये हो गया, absorption very high, transpiration is very high, नहीं कभी नहीं, absorption low, लो हो गया तो क्या का टीपी, मतलब रूट प्रेशर हो ही नहीं सकता, आपका आंसर क्या बनना है, सेकंड। नेक्स्ट, एमजी किसे एक्टिवेट करता है, एमजी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करता है, याद करना, जैसे एमजी फोटोसिंथेसिस में आरयूबीपी को एक्टिवेट करता है, पेप्टेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में जाए तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है, हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, एनोलेज को एक्टिवेट करता है, इन सब चीजों को एक्टिवेट करता है, एल्कोहा डिहाइड्रोजनेज को ये नहीं करता, ठीक है, नाइट्रोजनेज को आपका मॉलिब्डेनम करता है, रुबिलोज ये हो गया आपका, फॉस्फोनोल पाइरूवेट, कार्बोक्सिलेज इसे हम पेप्टेज कहते हैं, क्या ये वही है पेप्टेज, ठीक है ये भी हो गया, थर्ड फोर्थ आपके करेक्ट आंसर बन रहे हैं, चलिए दिस इज राइट।
कैल्शियम इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द प्लांट द मेजर फंक्शन परफॉर्म इन सेलेक्टिवली परमियबल सेल वॉल मेंटेन्स द सेल टर्जिडिटी एनर्जी ट्रांसफर मिडिल लेमेला फॉर्मेशन इन सेल वॉल ये ज़्यादा सही है ना मिडिल लेमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट फोर्थ करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं मार्क द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ ये अच्छा क्वेश्चन है जरा ध्यान से पढ़ें मैग्नीशियम पढ़े पे घटक होता है अभी अपन ने दिखाया राइबोसोम की संरचना को भी बना के रखता है कहा जाता है 0.001 mg कंसंट्रेशन रिक्वायर फॉर एसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ना ये ठीक है तो ये करेक्ट है कैल्शियम इज नीड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल मिनरल्स वाले हिस्से में लिखा है मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइज वॉर ये गलत होगा Mn मैग्नीशियम Mg नहीं अच्छा जी इसके बाद में जिंक हेल्प इन सुगर ट्रांसप्लांट ये भी गलत हो गया ठीक है तो फर्स्ट सेकंड सही है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ये फर्स्ट जा रहा है फॉल्स है गलत हो गया ये भी फॉल्स यहाँ गलत हो गया फॉल्स फॉल्स आपका एक ही आंसर बनेगा फर्स्ट ठीक विच इज नॉट ट्रू फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन रूट क्या सही नहीं नोड्यूल इन लेग्यूम्स सिंथेसिस बाय निफ जीन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन एक खास जीन होती है इसी से बनता है और सिर्फ प्रोकैरियोट सम प्रोकैरियोट कुछ प्रोकैरियोट में ही कैपेसिटी है कुछ बैक्टीरिया कुछ साइनोबैक्टीरिया ठीक है ये निफ जीन वहीं पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में याद रखना इसको साइड ऑफ रिड्यूसिंग एन टू अमोनिया ये भी सही है ये भी सही है ना रेजिस्टेंस टू ये गलत हो गया ये रेजिस्टेंस नहीं है इसीलिए तो लैग हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है ठीक है तो नॉट ट्रू वाली बात हो रही है और सही मॉलिब्डेनम इज इम्पॉर्टेंट इन इन प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस लिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ठीक है क्लियर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द लेबल 1 ABCDE ये सब चीज़ें हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है NCERT का डायग्राम है क्लियर अब आप कुछ चीज़ों को फोकस करो क्या क्या आपके दिख रहे होंगे कुछ ABC ये क्या हो रहा है अमोनिफिकेशन है ये क्या है यहाँ डिकेइंग बायोमास से दोबारा अमोनिया बन रहा है अमोनिफिकेशन लो भाई आपका ये फर्स्ट की ओर जा रहा है आंसर आप देख ले और कहाँ देख ले अमोनिफिकेशन यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं चलिए इस पर फोकस करते हैं बी कौन है डीनाइट्रिफिकेशन ये रहा डीनाइट्रिफिकेशन सही है अभी भी सही जा रहा है सी कौन है सी ये रहा ये नाइट्रिफिकेशन है डी कौन है ये अमोनिया को नाइट्राइड में बदल रहा है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर ये रहा नाइट्राइड को नाइट्रेट में बिल्कुल सही जा रहा है आपका सेकंड आंसर क्लियर नेक्स्ट चलते हैं ये ठीक है मार्क द करेक्ट इक्वेशन फिक्सिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NH2 ये NCERT की इक्वेशन है आप इस पर ध्यान देना दो मॉलिक्यूल बनाने हैं आपको तो दो एक तो यहाँ बन रहे हैं ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 ATP 16 ADP में कन्वर्जन हो रहा है 16 PI भी बन गए ठीक है ये सही जा रहा है अब आप जाएं यहाँ तो लो भाई यहाँ एक्चुअली आपके दो मॉलिक्यूल नहीं बन रहे हैं ना ये अब यहाँ आते तो ये गलत हो गया हाँ यहाँ पर 8 ATP यूज हो रहे हैं एक के लिए ज़रूरत है दो के लिए नहीं तो आपका ये भी गलत आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो रहा है नेक्स्ट लैग हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज क्या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा एक्ट एज ए ऑक्सीजन स्कैवेंजर एक्चुअली ये जो आपके बैक्टीरियोइड्स होते हैं ध्यान देना एक अच्छा मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर क्या होते हैं बैक्टीरियोइड्स होते हैं इन्हें साइट ऑफ एंटू फिक्सेशन भी कहते हैं यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया सेकेंड टाइम डिवीजन करके कॉलोनी बनाते हैं इन्हें हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं अब इसके ऊपर एक खास चीज़ होती है एक्चुअली लैग हीमोग्लोबिन यहाँ पाया जाता है एक लेयर के फॉर्म में इनके ऊपर और ये यहाँ पर इन बैक्टीरियाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है इसे हम कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन ठीक है
अब इसमें तीन शब्द हैं, लैग, हीम, ग्लोबिन। ग्लोबिन होस्ट बनाता है, हीम बैक्टीरिया बनाता है, लैग इसलिए कहते हैं क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में ये चीज बन रही है, इसलिए। तो ये इसकी बात हो रही है, स्कैवेंजर। प्रोवाइड एनर्जी, नहीं, होस्ट देता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। साल्विनिया ट्रेडोफाइट हो गया, ये गलत हो गया। सेकोइया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये बिल्कुल सही जा रहा है। द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम, अडेप्टेड होती है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमो, नहीं भाई साहब, ये सिर्फ हेटरोस्पोरस होते हैं। आपका आंसर करेक्ट जा रहा है, सेकेंड। Next, simple diffusion is related to the all except involvement of carrier protein. लो भाई, यहाँ इसमें नहीं होती। Occurs concentration gradient high to low till the equilibrium, बिल्कुल सही। Molecule move from high DP diffusion pressure, क्योंकि कहा जाता है कि movement of different substances from high concentration to low concentration in presence or absence of membrane till the equilibrium of medium in presence of DP. High DP to low, तो ये भी सही है आपका फर्स्ट, चूंकि not except कहा गया। Simplest pathway of water in plant is not related to क्या? Cytoplasm through the plasmodesmata along cell wall. Cell wall, देखो vacuole फिर भी आ जाती है। जैसे मान के चलो दो सेल है, यहां इसमें plasmodesmata हो गया, ठीक है, अब इसमें vacuole भी होती है। तो अगर वाटर का मूवमेंट एक डायरेक्शन से यहां से चला तो वैक्यूल भी इन्वॉल्वमेंट शो करती है, ठीक है, तो इसीलिए वैक्यूल गलत नहीं है। हाँ, सेल वॉल कभी नहीं होगा क्योंकि ये लिविंग पाथवे माना जाता है। फोर्थ सही है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स, पढ़ लेते हैं क्या है। एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, बिल्कुल सही। एनर्जी रिलेटेड में आपके एमजी और फॉस्फोरस को रखा गया, एटीपी से रिलेटेड। एसेंशियल एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट है, इसलिए। MN एक्टिवेट एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जिंक करता है, ये गलत हो रहा है। तो आपके लिए क्या रहा है, ए बी करेक्ट, ठीक है, सी इनकरेक्ट, तो सी इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है, बी इनकरेक्ट गलत हो गया, आपका ए इनकरेक्ट गलत हो गया, ए भी सब नहीं है, ये इनकरेक्ट सही है, फोर्थ सही है। नेक्स्ट, चूज द, ये नीचे दिए कथनों पर सत्य असत्य कथनों का चुनाव कीजिए, क्लियर। माइकोराइजा एसोसिएट बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ प्लांट पाइनस, सही, ये सत्य है। पाइनस ऑर्किड सीड्स कैन जर्मिनेट ग्रो इनटू प्लांट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा, लो भाई गलत। एनसीईआरटी ने क्लियर कट कहा है कि सीड्स ऑफ पाइनस मे नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, ऐसा नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अलोंग विद द मिनरल सॉल्यूट बाय द रूट हियर इज प्योरली ए प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मिनरल्स कैसे सिंपल हो जाएंगे, ये इन एपोप्लास्ट पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक जा रहा है। फंगल हाइफी प्रोवाइड शुगर, ये प्रोवाइड नहीं करती, ऑप्टेन करती, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल टू द रूट, गलत हो गया। तो चलिए भाई देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर ट्रू वाइल फोर्थ फिफ्थ आर फॉल्स, तो फोर्थ तो फॉल्स नहीं है, चलिए भाई ये नहीं हो सकता। फिर है फोर्थ फिफ्थ सही है, लो भाई ये भी गलत हो गए, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ये सही जा रहा है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सही है, लो भाई आपका आंसर निकल के आ गया है थर्ड, क्लियर, थर्ड सही है। बाय हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड, सीडेड कोकुम्बर, नहीं सर, सीड लेस कोकुम्बर, ल्यूटिस को कर सकते हो, है ना, टोमेटो को कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट यहाँ भी है, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये सही हो जाएगा, ठीक है जी।
ऐसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है. सेकेंड इज करेक्ट. लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज एन एक्टिव प्रोसेस. बिल्कुल सही है, एक्टिव प्रोसेस है. कंपेनियन से सीप ट्यूब में जब आप सुक्रोज को लोड करते हो तो वो एक्टिव लोडिंग है, एनर्जी खर्च होती है. कंपेनियन सेल एनर्जी देती है. सीप ट्यूब क्यों नहीं? क्योंकि सीप ट्यूब में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, वो रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकता. इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, कंपेनियन इसका राइट आंसर है. लिवर वर्ट्स आर यूजली ग्रो इन कहाँ? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, सही है, जो झरने होते हैं उनके आसपास. बैंक्स ऑफ ट्रीज, बार्क ऑफ ट्रीज, बिल्कुल सही है. डीप इन वुड, सही है. ऑल ऑफ दीज, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, सही है. अच्छा, नेक्रोसिट, डेथ ऑफ बीजोफिल, डेथ का मामला यहाँ होता है. इट्यूलेशन, अच्छा क्वेश्चन है. देखो इट्यूलेशन का मतलब है कि व्हेन प्लांट आर सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ लाइट देन दे कन्वर्ट येलो और वाइट. ठीक है, आप कभी जमीन में जर्मिनेटेड सीड को देखना, वो येलो कलर के होते हैं. ठीक है, और जब वो लाइट के प्रेजेंस में आते हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, लाइट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन. जब तक आप लाइट की प्रेजेंस में प्लांट को नहीं रखोगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा. ठीक है, और दूसरा MgFe एंड नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन. तो ये दो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें. इट्यूलेशन, एब्सेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल सही जा रहा है. चेंज व्हाइट और येलो कलर, इट्यूलिन की वजह से ये कलर हो जाता है. तो ए में देख लो, फर्स्ट एंड फोर्थ, ए में फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? येलो. आपका आंसर यहाँ जा रहा है, आपका कहीं नहीं है. ठीक है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट, चूज द पेयर और डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया. बिल्कुल, ये सेगमेंट बड़ा खास है. तो आपके नाइट्रोबैक्टर ये नहीं है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. राइजोबियम फ्रेंकिया हो नहीं सकते हैं ना भी नहीं. ये आपका सीडोमोनास थायोबैसिलस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में. मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. राइनिया फॉसिल प्लांट, कभी मत भूलना इसे. गिंगो लिविंग फॉसिल, ठीक है. मेडिसिनल वैल्यू इसमें है, इसीलिए इसे ह्यूमन केयर में. अच्छा, इसने इवोल्यूशन किया, ये आप इवोल्यूशन वाले हिस्से में जाकर देख सकते हो. अनब्रांच स्टेम, ठीक है. अब पाइनस चिलगोजा, ये चिलगोजा बी में आपका बी में आपका जा रहा है सिक्स्थ. तो सिक्स्थ आपके यहाँ है, तो इसको तो हटाइए दो एक बार. ठीक है जी, राइनिया फर्स्ट एंड राइनिया फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? फर्स्ट एंड फोर्थ ये रहा इधर, फर्स्ट एंड फोर्थ. बी में चले जाओ, ये सही हो गया. सी गिंगो में चले जाओ, तो आपका लिविंग फॉसिल भी है और आपका मेडिसिनल प्लांट भी है. लो भाई, सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनता है. अगले चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट इंक्लूड एज ए मॉस प्लांट? लाइकोपोडियम कौन है? टेरिडोफाइट, खत्म हो गया ये. पोरफायरा एल्गी है, खत्म हो गया ये, रेस से बाहर. ठीक है जी, अब मॉस की बात, सेलेजिनिला टेरिडोफाइट है, ये भी खत्म हो गया. आंसर आपका फोर्थ आ गया, क्योंकि यही मॉस. नेक्स्ट, प्लांट हैव एन एलिबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल कंपेयर टू लिवर वर्ट्स. ठीक है, तो याद रखना वो मॉस है, मॉस में ये मैकेनिज्म है, इसके बेसिस पर फ्यूनेरिया. ये रहे मॉस आपके, तो ये करेक्टर है मॉस का. ठीक है जी, आपका चूंकि लिवर वर्ट यहाँ है, लिवर वर्ट यहाँ है, ये खत्म हो रहे हैं. सेकेंड करेक्ट आंसर बन रहा है. मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, रेडवुड ट्री कौन? सेकोइया, कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है. कोरलर रूट साइकस, माइकोराइजा पाइनस. ठीक है, कवर्ड सीड मटर, एंजियोस्पर्म. ठीक, चलो ए में चलते हैं थर्ड की ओर, सब में है, अभी नहीं मिला है तुम्हें. बी में चलते हैं फर्स्ट की ओर, बी में फर्स्ट. चलो आपके ये खत्म हो गए दोनों, ये और ये, यहाँ पर अभी चल रहा है कंपटीशन. सी में आपका सेकंड, सी में सेकंड अभी भी कंपटीशन जारी है. कवर्ड सीट फोर्थ, ये जीत गया, मतलब फोर्थ आंसर है आपका. चलिए, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो.
जिम्नोस्पर्म इंक्लूड ट्री सर्ब्स हर्ब हर्ब नहीं है ट्री ये ठीक है चलिए सही है रॉन्ग चलना कोरोलाइड रूट इज सिंबायोसिस फंगस लो भाई यहाँ गलत हो गया ये आपको एक रॉन्ग ही पूछा गया है तो ये पॉसिबल आंसर है जिम्नोस्पर्म रेप्टेड फॉर एक्सट्रीम बिल्कुल सही जा रहा है पन्नेट परसिस्टेंट लीव्स फाउंड इन साइकस लो ठीक है आंसर सही है और ये हम आपके लिए ये DCM का फोर्थ सॉल्यूशन लाए थे बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में और ओवरऑल देखा जाए तो ये 12th है नो डाउट आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और CLC के प्लेटफॉर्म से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उन्हें कंटिन्यू फॉलो करें ये मेरी रिक्वेस्ट मान लें या एक सजेशन मान लें एक टीचर के नाते जो आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने जा रहा है आप इसमें गुरु नीति हैं बायोकैम DTS है बायोकैम DTS को भी आप फॉलो करें आपके इको फिजिक्स है बेहतरीन है आप सबसे पहली बात ये DCM का एक भी पेपर आपको नहीं छोड़ना है कुछ भी हो आपको बस डिसाइड करना है कि हाँ हमें देना है ठीक है मार्किंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बस काम करना है क्लियर फुल सिलेबस आपको DCM आ रहे हैं उन पर फोकस आपको करना है क्लियर ओके थैंक यू